हेलो दोस्तों, आपका सबका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं दुनिया के सबसे 10 अजीब अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जब बात बॉर्डर की आती है तो हर चीज बदल जाती है, क्योंकि बॉर्डर नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि सिर्फ एक डिवीजन से ही एक जमीन के दो हिस्से हो जाते हैं। हालांकि आमतौर पर हम बॉर्डर नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी इमेज बनाने लगते हैं जहां पर कई सारे जवान बंदूक लिए खड़े होंगे, लेकिन जो हम सोचे वही सही हो ये भी तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे सोच से विपरीत कुछ ऐसे बॉर्डर भी मौजूद है जो हमें चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और आज की इस वीडियो में आप दुनिया के सबसे अनोखे बॉर्डर्स के बारे में जानकारी पाकर हैरान होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। नंबर 10, स्पेन मोरक्को बॉर्डर। स्पेन में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सियोटा। यह शहर उत्तरी अफ्रीका के तट पर बसा हुआ है और साथ ही मोरक्को से घिरा हुआ है। मेलिला नाम के इस स्पेनिश शहर पर मोरक्को अपना अधिकार जताता है, इसलिए स्पेन ने यहाँ कंटीले तारों की दीवारें बना दी हैं। पर पहर भी हजारों लोग कई बार स्पेन आने की कोशिश कर चुके हैं और बहुत से लोग दीवार को पार करते वक्त घायल भी हुए हैं। यह दुनिया का इकलौता बॉर्डर है जो अफ्रीका देश और एक यूरोपियन यूनियन देश के बीच है। नंबर 9, बैरल नासू बैरल हर्टॉग। बैरल नासाउ नीदरलैंड में है और इसका बॉर्डर बैरली हर्टॉग से मिलता है जो बेल्जियम में है। ये बेल्जियम और नीदरलैंड का बहुत ही अजीब बॉर्डर है, जिसकी बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि घरों का आधा हिस्सा बेल्जियम में और आधा हिस्सा नीदरलैंड में। नंबर 8, रशिया एंड यूएसए। अब रशिया और यूएसए के बीच जो घमासान युद्ध बातों से छिड़ रहता है उससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों देश में कितनी दुश्मनी है। बहरहाल ये दुश्मनी जंगों में नहीं दिखती, लेकिन इन दोनों देशों के बीच जब भयंकर कोल्ड वॉर चल रही थी तो डायमेड आइलैंड पर दोनों देशों का बॉर्डर बनाया गया। यहाँ पर दो आइलैंड मौजूद है जिसमें एक हिस्सा रशिया के हिस्से में आता है और दूसरा आइलैंड यूएसए के हिस्से में आता है। अगर इन दोनों आइलैंड के बीच की दूरी की बात करें तो वो भी ज्यादा नहीं है, यानी कि मुश्किल से 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी, और ये दोनों आइलैंड मौजूद हैं। ठंड के मौसम में ये दूरी बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है, ऐसे में आप चलते चलते भी एक देश से दूसरे देश तक जा सकते हैं, पर यहाँ के लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसकी वजह आप अच्छे से जानते हैं। परंतु जब इन दोनों देशों ने देखा कि इसके बनाए गए नियमों से इस जगह पर रहने वाले लोगों को दिक्कत आ रही है, तो सन 1998 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जिसके तहत इस जगह पर रहने वाले लोग बॉर्डर के आर पार जा सकते हैं। उन्हें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कानून सिर्फ यहाँ पे रहने वाले लोकल लोगों के लिए है। बाकी अगर कोई इस जगह पर दिख गया तो वो उसका उन दोनों देशों के सोल्जर वही हाल करते हैं जो बाकी देशों के बॉर्डर पार करने पर किया जाता है। नंबर 7, कनाडा एंड यूएसए। चलिए बात करते हैं यूएसए और कनाडा के बीच बने एक शानदार बॉर्डर की जो पूरे 9,000 किलोमीटर लंबा है। ये बॉर्डर एकदम आम बॉर्डरों की तरह ही है। जैसे हर बॉर्डर को देश की सीमा के हिसाब से बनाया जाता है, वैसे ही इसे भी बनाया गया है। लेकिन इस बॉर्डर के बीच में आती दो सबसे खास जगह है। दोस्तों, इस बॉर्डर के बीचों बीच एक लाइब्रेरी और एक ओपेरा हाउस मौजूद है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे यहाँ गलती से बना दिया गया है। लेकिन ये कोई अनजाने में की गई गलती नहीं है, बल्कि इन दोनों देशों ने मिलकर यह फैसला लिया कि दोनों देशों के लोग फैक्ट और नॉलेज के बेसिस पर एक दूसरे से जुड़े रहना ही दोनों देशों के लिए सही बात है। इन चीज का ख्याल रखते हुए 1901 में बॉर्डर के बीचों बीच ओपेरा हाउस बनाना शुरू किया गया और 1904 में ये बनकर तैयार हो गया। और उस समय बॉर्डर को बनाने में करीब $50,000 लगे थे, और जब से ये ओपेरा हाउस बना तब से ये दुनिया भर में जाना जाने लगा, जिसमें पूरा योगदान इसका ज्योग्राफिकल एरिया था जो कि दो देशों के बीच बटा हुआ था। उसी के साथ इस जगह पर एक खास बात और थी, ओपेरा हाउस में परफॉर्म करने वाले लोग एक देश में खड़े होकर परफॉर्म करते थे, तो वहीं यहां मौजूद ऑडियंस दूसरे देश में बैठकर देखती थी, जो वाकई में बहुत ज्यादा अनोखी बात है। नंबर 6, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। नेपाल और चाइना का बॉर्डर सीधा इसके बीचों बीच होकर गुजरता है, और आंकड़ों के हिसाब से माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल दोनों का हिस्सा है। नंबर 5, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। दोस्तों, आपने काफी सारे बॉर्डर्स देखे होंगे, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के इस बॉर्डर के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया का एक गांव है जहां से गुजरे बगैर आप जर्मनी नहीं जा सकते। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन सी जगह जहां हमें अपने ही देश के गाँव में जाने के लिए दूसरे देश से होकर गुजरना पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि असल में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच बने बॉर्डर पॉइंट पे ही एक गाँव स्थित है, लेकिन ऑस्ट्रिया इस पॉइंट से होते हुए भी गाँव में नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यहाँ पर जाने वाला रास्ता जर्मनी से होकर गुजरता है, जिसके कारण यहाँ ऑस्ट्रिया के निवासी होने के बावजूद भी जर्मनी की करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 4, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस वाटरफॉल को देख रहे हैं ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 275 वाटरफॉल मौजूद है। इस वाटरफॉल की सबसे खास बात ये है कि इसी वाटरफॉल के अंदर एक बॉर्डर को बनाया गया है जो कि अर्जेंटीना और ब्राजील को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस वाटरफॉल की बात करें तो ब्राजील के हिस्से में मात्र 20% पानी आता है, वहीं इसका 80% पानी अर्जेंटीना में चला जाता है। इस वाटरफॉल की खूबसूरती को देखने के लिए लगभग
लगभग 15 से 20 लाख टूरिस्ट यहाँ पर इस खूबसूरत नजारे को देखने आते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं, साथ ही यहाँ टूरिस्ट के लिए एक पुल का भी निर्माण किया गया है ताकि वो आसानी से इन नजारों को आनंद ले सके। नंबर 3, यूएसए एंड मैक्सिको। दोस्तों, हम सभी को ये बात पता ही है कि अमेरिका अपनी चतुराई के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको यूएस और मैक्सिको दोनों देशों के बीच बने बॉर्डर को दिखाने जा रहे हैं। और हम सभी को ये बात पता है कि यूएसए और मैक्सिको दोनों देशों के बीच कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, इसी वजह से अमेरिका अपने आप को इस देश से दूर रखना पसंद करता है। और इसी वजह से अमेरिका ने इन दोनों देशों के बीच लगभग 580 किलोमीटर की एक दीवार खड़ी की है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। दरअसल अमेरिका शुरू से ही ये चाहता था कि वो अपने देश के सीमा को निश्चित कर सके। इसके लिए अमेरिका ने कई सारी जगह जाकर बॉर्डर को बनवाने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी परमिशन नहीं मिली। अब हमने जैसा कहा था कि अमेरिकन अपनी चतुराई के लिए जाना जाता है, इसलिए अमेरिका ने अपनी ही जमीन के कुछ हिस्सों को छोड़ते हुए एक बॉर्डर बनाया। इसे बनाने में कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ रह रहे लोग जो पहले अमेरिका के निवासी हुआ करते थे अब दोनों देशों के बीच बढ़ चुके हैं। नंबर 2, फोर कॉर्नर मॉन्यूमेंट। दोस्तों, ये बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और इसे इस लिस्ट में इसलिए शामिल करना पड़ा क्योंकि ये काफी अजीब है। जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये अमेरिका की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ और अमेरिका के चार राज्यों की सीमा आकर आपस में मिलती है। अगर आप इस मॉन्यूमेंट पर आए, आप सिर्फ कूद कर ही मैक्सिको के एरिजोना जा सकते हैं। यहाँ ना इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही टेलीफोन। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट विजिट करते हैं। नंबर 1, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये बॉर्डर 29 किलोमीटर लंबा है और दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल बॉर्डर में से एक है और दुनिया का इकलौता ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो स्पेस से भी दिखाई देता है। इंडिया की तरफ से लगाई गई लाइट की वजह से ये रात में काफी जगमगाता है, इसी वजह से स्पेस से काफी साफ ये दिखाई देता है। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है जो ग्लेशियर से होकर गुजरता है। इन ग्लेशियर्स का टेम्परेचर -60 डिग्री तक जाता है। राम राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।